Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum students. Today we will cover the topic of bank reconciliation statement. Well, first of all, we will clear our concept about the bank reconciliation statements, and in the last of this video lecture I will tell you a trick, a shortcut method to calculate or to memorize the steps involved in bank reconciliation statement. So I would like to start it from the word bank reconciliation statement. That a bank reconciliation statement is a statement which contains a complete and satisfactory explanation of the differences between the cash book statement and the passbook statement. But student, ये bank reconciliation statement होता क्या है? ये एक ऐसा statement होता है जो आपको एक complete वाज़े सूरत-ए-हाल बताता है कि passbook account में, passbook statement में और cash book statement में फर्क क्यों आता है? Well, what is the need of making this bank reconciliation statement? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है students? Well, because it provides the actual data, it detects the errors, it prevents frauds, and it also identifies those transactions that are recorded by one party but not by the other. Well students, ये हमें हमारे mistakes के बारे में बताता है bank reconciliation statement. ये हमें fraud से बचाता है. ये कुछ ऐसे transactions, कुछ ऐसे लेन देन जो है वो आइडेंटिफाई करता है जो हो सकता है एक पार्टी ने तो रिकॉर्ड कर लिए हो लेकिन दूसरी पार्टी ने रिकॉर्ड ना किए हो. एंड अगली जो हेडिंग है वो ये है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिफरेंसेस. ये डिफरेंसेस, ये फर्क आते क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एरर्स. स्टूडेंट्स, टाइमिंग का एक बड़ा इश्यू होता है कि हो सकता है आपने एक चेक इश्यू कर दिया हो, किसी कस्टमर्स को आपने एक चेक इश्यू कर दिया तो ऑन द स्पॉट आपने अपने अकाउंट में से वो तो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन जब वो बैंक के पास किया, बैंक जो था वो ऑफ था, वो क्लोज हो गया था, तो जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास आई तो आपका स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट के मुताबिक आपका जो कैश बैलेंस था वो कम था आपके अकाउंट में, आपके स्टेटमेंट में, लेकिन बैंक बैलेंस में था वो ज्यादा था. क्यों? क्योंकि वो चेक जो आपने कम कर दिया था वो बैंक के अकाउंट में से नहीं निकला था, बैंक बंद हो गया था और उसी टाइम आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट पहुंच गई थी उस दिन के हिसाब से, उस ईयर के हिसाब से, उस मंथ के हिसाब से. तो टाइमिंग का एक बड़ा इश्यू होता है. फिर ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका बैंक को पता होता है आपको पता नहीं होता, जैसे कि बैंक आपके बिहाफ पे जो है नोट्स रिसीवेबल कर लेता है तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, या साल के आखिर में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट वो जमा कर लेता है आपको पता नहीं चलता, या साल के आखिर में वो चार्जेस, सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर लेता है आपको पता नहीं होता, आपको तब पता चल जाता है जब वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास आती है तो आप जब देखते हो तो वो डिडक्शन या एडिशन हो चुकी होती है. तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनकी वजह से ये फर्क आता है. देन एरर्स, कभी कभार कभी एक पार्टी एरर कर लेती है, कमिट करती है, तो कभी दूसरी पार्टी, कभी बैंक कर लेते, कभी आप कर लेते हैं. हो सकता है किसी को आपने चेक देना था, लेट्स से 58 रुपीस का चेक देना था, लेकिन आपने 58 की बजाय आपने उसको लेट्स से 85 का दे दिया, तो आपने ज्यादा का चेक दे दिया, आपने कम यहाँ पे डिडक्ट कर लिया और आपने चेक ज्यादा का दे दिया था. तो ये कुछ एरर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से बैंक स्टेटमेंट और आपके स्टेटमेंट में फर्क आ जाते हैं. Then there are two forms of reconciliation statements. The first one is reconciling cash book balance. Student, पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि दो तरह के books है. मैं फिर से बताता चलूं कि एक cash book balance है वो जो आप या depositors maintain करता है या account holder maintain करता है, जैसे कि हम लोग maintain कर लेते हैं, और एक होता है passbook balance या bank statement होता है वो bank maintain करता है. तो इन दोनों को आपने reconcile करना है. अच्छा student, एक और बात, जब भी आपके पास चीजें आती है, लेट से आपके पास पैसा आया तो आपने अपने कैश बुक में उसे डेबिट कर लिया, आपके पास जो चीजें आती है उसे डेबिट करते हैं, जो चीजें आपसे जाती है वो क्रेडिट आप करते हैं. लेकिन बैंक का किस्सा उलट है, क्योंकि बैंक के ऊपर आपकी, बैंक के ऊपर एक लाइबिलिटी है, आपका अकाउंट मेंटेन करना बैंक के ऊपर एक लाइबिलिटी है, तो बैंक के पास जब भी पैसा जाता है तो वो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देता है, और बैंक जब भी आपके अकाउंट से पैसे निकालता है तो वो उसको डेबिट कर रहा है, जबकि आप ऐसा नहीं करते. आपके पास जो चीजें आती है डेबिट करो, जो चीजें जाती है क्रेडिट करो. बैंक के पास जो चीजें जाती हैं वो उसे क्रेडिट कर लेता है, जो निकलती है उसे डेबिट कर लेता है. तो स्टूडेंट, दो तरह के रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज रिकंसाइलिंग कैश बुक बैलेंस टू द बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट और पासबुक स्टेटमेंट, एंड द सेकेंड वन इज
both the bank statement and cash book statement, or cash book and passbook, are reconciled to each other. So first of all, हम लोग वो पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि कितनी तरह की एंट्रीज है जिनकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, चार तरह की एंट्रीज होती हैं, चार तरह की एंट्रीज जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। द फर्स्ट वन इज चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। स्टूडेंट, चेक आपने इश्यू कर दिया है लेकिन वो बैंक में अभी तक जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक। क्या होता है स्टूडेंट, आपने चेक अपने कस्टमर को, आपके ये देखो ये कैश बैलेंस है, कैश बुक बैलेंस है, ये पासबुक बैलेंस है, ये बैंक का है, ये बैंक का, दोनों में कितने रुपए पड़े हुए, लेट से हजार पड़े हुए, तो आपने एक चेक इश्यू कर दिया 500 का, आपने अपने अकाउंट में से तो डिडक्ट कर लिया, आपके अकाउंट में कितने रह गए, लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आप अपने अकाउंट में रेक्टिफिकेशन करें, बैंक में चेंजेस नहीं करें, आप अपने अकाउंट में चेंजेस करें तो आप वापस क्या करेंगे, आपने तो निकाल लिए थे, आप वापस इसको एड करेंगे, तब जाके दोनों साइडें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सबसे पहले ये एंट्री, दूसरा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड और क्रेडिटेड। इसे हम लोग डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी कहते हैं स्टूडेंट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। स्टूडेंट, क्या है, आपके पास चेक आया, औरों का चेक, किसी और ने, थर्ड पार्टी ने आपको चेक दे दिया, तो आपने अपने पास उसको ऐड कर लिया, डिपॉजिट कर लिया, बट नॉट, लेकिन आपने उसको बैंक भेजा अपने अकाउंट में जमा करने के, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक आपके अकाउंट में जमा नहीं किया। हो सकता है टाइमिंग का मसला है, बैंक बंद हो गया होगा, बैंक के जो थे वो आखिरी एंडिंग आवर्स थे, सॉरी क्लोजिंग आवर्स थे, तो उसने अभी तक ये काम नहीं किया, तो क्या था, कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस, दोनों में 1000 रुपए पड़े हुए थे, ठीक है, आपके पास चेक आया, कितने का चेक आया, 500 का, आपने अपने अकाउंट में ऐड कर लिया 1500, ठीक है, 1500 आपके अकाउंट में आ गए, लेकिन वो बैंक ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आप चेंजेस सिर्फ अपने स्टेटमेंट में कर रहे हैं, कैश बुक स्टेटमेंट में, तो आप वापस क्या करेंगे, 500 निकालेंगे, तब जाके 1000 जो है वो बराबर हो जाएंगे। स्टूडेंट, तीसरी तरह की जो फर्क है वो है एनी इंक्रीज इन कैश, एनी टाइप ऑफ इंक्रीज इन कैश, कोई भी इंक्रीज इन कैश जो होता है। स्टूडेंट, ये भी दोनों स्टेटमेंट के दरमियान फर्क लेके आते हैं, क्या है कि इंटरेस्ट बैंक ने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया है, तो आपने अपने अकाउंट में ऐड नहीं किया है, आपके अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हुए थे, बैंक में भी 1000 रुपए थे, लेकिन उसने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, तो आप क्या करोगे, इस इंक्रीज को आप अपने अकाउंट में भी ऐड कर दोगे, एनी टाइप ऑफ डिक्रीज इन कैश। क्या है चौथी जो चीजें हैं, चौथी जो आइटम है जो फर्क लेके आती है, वो डिक्रीज इन कैश है। क्या होता है कि बैंक कुछ चार्जेस आपसे ले लेता है जो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है, लेकिन आपने अभी तक नहीं किए हैं, तो आप भी अपने अकाउंट में से वो क्या करोगे, वो डिक्रीज कर दोगे। स्टूडेंट्स, तो ये चार तरह के आइटम्स है जो फर्क लेके आते हैं। स्टूडेंट, इट्स नाउ द टाइम टू टेल यू द ट्रिक एंड द शॉर्टकट मेथड टू मेमोराइज द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, हाउ इजिली टू रिमेंबर द स्टेप्स involved in the bank reconciliation statements. For that, I have made a formula that is do Ryzen. Well, what does it mean? What does it stand for? I'm going to tell you. Well, students, there are certain transactions that are recorded by the depositor but not by the bank. So bank will have to adjust it. There are certain transactions that will be added and that will be deducted from bank statements.
and there are certain transactions appearing in the bank statements, but that is not recorded by the depositor. So depositor will also have to add it and deduct it. वो कौन कौन से transactions हैं जो बैंक अपने बुक में करेगा और वो कौन से transactions हैं जो depositors अपने बुक में करेगा. Students, ये second type of reconciliation statement है जिसमें बैंक और depositor दोनों अपने बुक में, cash book और bank statement दोनों में जो है वो changes लाएंगे. क्या क्या changes लाएंगे? Formula तो आपने याद रखना है, do horizon. सबसे पहले वो चीज जो बैंक अपने पास एड करेगा वो क्या है? वो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है. डिपॉजिट इन ट्रांजिट. स्टूडेंट्स, डिपॉजिटर के पास या अकाउंट होल्डर के पास किसी ने जो है वो एक चेक उसको दे दिया, तो उसने अपने पास तो जमा कर लिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसके अकाउंट में जमा नहीं किया, तो वो क्या करेगा? डिपॉजिट इन ट्रांजिट को अपने पास जमा कर देगा. ये इसमें से ऐड हो जाएगा. या अगर आप इनर कॉलम में ऐड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप इन्हें इधर इनर कॉलम में लिख लेना है. और लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स, जितने भी चेक्स कंपनी ने या डिपॉजिटर ने लोगों को दिए हैं वो बैंक क्या करेगा? वो लेस करेगा. आउटस्टैंडिंग चेक्स, जितने भी चेक्स है ये यहां से लेस करेगा. तो पहले डू का ताल्लुक डी वो ऐड करेगा, ओ वो लेस करेगा. डू का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट के साथ है, तो आपने यहां पे लिखना है डू. ये देखिए डू, ये डू का ताल्लुक किसके साथ है? बैंक के साथ है. डू में से डी को उसने ऐड कर देना है, ओ को उसने लेस कर देना है. डी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ओ स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग चेक्स. और यहां पे फिर बाद में एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आ जाएगा, मींस इस बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऐड करेगा और आउटस्टैंडिंग चेक वो लेस कर देगा, तो क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैश बैलेंस आ जाएगा. एडजस्टेड कैश बैलेंस. और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो डिपॉजिटर्स ने अभी तक नहीं किए हैं, मींस अपने स्टेटमेंट में से ना तो डिडक्ट किए ना ऐड किए हैं, तो उसका ताल्लुक फिर क्या है? राइजन. राइजन का ताल्लुक बैंक डिपॉजिटर के उसके साथ है. राय को ऐड करेगा, सेम को जो है वो लेस कर देगा. राय आर स्टैंड फॉर रिसीवेबल्स, क्या ऐड करेगा? वो नोट्स. मैंने एन क्यों नहीं दिया वो भी मैं बताता हूं कि मैंने एन यहां से क्यों नहीं उठाया. नोट्स रिसीवेबल्स वो ऐड करेगा और साथ ही में इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स, ये दो चीजें डिपॉजिटर्स अपने अकाउंट में जो है वो ऐड करेगा. इसने क्यों नहीं किए थे? क्योंकि इसको पता नहीं थे ये बैंक ने इसके बिहाफ पे किसी से पैसे भी ले लिए थे जो इसके अकाउंट में डाल दिए थे, और साल के आखिर में या महीने के आखिर या साल के आखिर में इसके अकाउंट, हो सकता है सेविंग अकाउंट हो तो इसके अकाउंट में उसने इंटरेस्ट भी डाल दिया था बैंक ने, जिसे हम लोग अपनी जुबान में सूद कहते हैं, तो सूद भी इसने कमा लिया था. तो ये दो चीजें यहां पे ऐड कर देगा. आर आई डू यहां पे हो गया था, आर आई यहां पे ऐड हो गया, अभी एस ई एन सेन या जेन जो भी आप समझना है तो वो आप लेस कर देंगे. क्या लेस करना है इसको? डिपॉजिटर को और किन किन चीजों का नहीं पता कि बैंक ने किए? और सर्विस चार्जेस. स्टूडेंट्स, जब भी बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करता है, आपका एटीएम मेंटेन करता है, तो साल के आखिर में वो आपसे कुछ चार्जेस ले लेता है, आपसे कुछ चार्जेस आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है, तो सर्विस चार्जेस लेस कर देगा. सर्विस चार्जेस, स्टूडेंट इसकी एडिशन यहां पे आ जाएगी, ठीक. ये लेस को हम लोग हमेशा पैरेंथेसिस में लिखते हैं. सर्विस चार्जेस है और क्या है? एरर्स. स्टूडेंट, कभी कभार आप जो है वो चेक ज्यादा किसी कस्टमर को देते, लेट से आपने 86 रुपीज निकालने थे, सॉरी 86 रुपी का एक चेक आपने किसी कस्टमर को दे दिया और आपने गलती से अपने अकाउंट में 68 लिख दिया, आपने चेक दिया 86, अब वो बंदा जाएगा आपके अकाउंट में से, बैंक में से 86 रुपए निकालेगा, लेकिन आपने अपने अकाउंट में से उसको कितने से डिडक्ट किया? 68. तो आपने मजीद कितने पैसे अपने अकाउंट में से निकालने हैं? 18 रुपीज और निकालने हैं, तो आपने एरर्स भी अपने अकाउंट में से निकालने होते हैं. और क्या है एन? एन स्टैंड्स फॉर एनएसएफ चेक्स, नॉट सफिशिएंट फंड चेक्स, ये आपने निकाले हैं. कभी कभार थर्ड पार्टी आपको चेक्स दे देती है लेकिन वो जब क्लियरेंस के लिए बैंक के पास चली जाती है या किसी और इदारे के पास चली जाती है तो पता चलता है कि थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो नॉट सफिशिएंट फंड
के तहत आपसे कुछ चार्जेस कटते हैं तो उसका आपको पता नहीं होता, तो आपने वो भी अपने अकाउंट में से निकालने होते हैं। जब आप ये ऐड करेंगे रिसीवेबल्स एंड इंटरेस्ट राइट, ये दो आर आई हो गए, ये एस ई एन हो गए। डू राइजन, डू डू का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट के साथ, डू में से डी को ऐड करना है, ओ को लेस करना है, और राइजन का ताल्लुक जो है डिपॉजिटर के अकाउंट के साथ है जिसमें रिसीवेबल्स और इंटरेस्ट आपने ऐड करने हैं, और एस ई एन सर्विस चार्जेस एरर्स और एनएसएफ चेक आपने लेस कर देने हैं। ये डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगी, तो एडजस्टेड कैश बैलेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपने ये फार्मूला आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आ गया होगा, क्योंकि ये एक इजीएस्ट मेथड है। और नॉर्मली जो बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप बनाते वो ये स्टेटमेंट आप लोग अपनी क्लासेस में बनाते हैं, क्योंकि आप लोग मतलब वो बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाते जिसमें सिर्फ डिपॉजिटर्स के अकाउंट में आप चेंजेस करते हो, आप जो है अपने बुक के हिसाब से दोनों में चेंजेस लाते हो। तो आई होप यू अंडरस्टूड द फॉर्मेट।